टोयोटा की इनोवा गाड़ी है, और ये गाड़ी में आप देख सकते हैं क्लस्टर मीटर पे टी बेल्ट का लाइट आता है। तो ये क्यों आता है, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कंपनी का एक शेड्यूल है कि गाड़ी जब 1.5 लाख किलोमीटर चल जाती है तो इसमें टी बेल्ट का लाइट आ जाता है, यानी अभी जो अपना टाइमिंग बेल्ट है वो रिप्लेस करो। सब कंपनी का अलग अलग एक शेड्यूल रहता है, किसी का 70,000, किसी का 90,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख। 2 लाख बोले तो फोर्स, इंडियन फोर्स जो ये सब है वो सबका है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं बेल्ट को रिप्लेस करके ले लिया हूँ। तो बेल्ट का इसलिए नहीं बता क्योंकि ऑलरेडी 2-3 वीडियो है इससे पहले डाल चुके। तो अभी जो बताएंगे सिर्फ इसका रिसेट का बताएंगे, लाइट को कैसे रिसेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको ओडो पे सेट किया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ODO, और ये जो इसका किलोमीटर है वो है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक बार गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, बस 1 सेकंड के लिए स्टार्ट किया, अब करता हूँ गाड़ी को बंद। मैं गाड़ी को बंद कर दिया, इग्निशन ऑफ कर दिया। अब ये जो बटन है इसको 5 सेकंड तक मैं दबा के रखूँगा, 1, 2, 3, 4, 5। अभी मैं कर दूँगा इग्निशन को ऑन, और ये देखो एक बीप का साउंड आता है, वापस से मुझे 5 सेकंड तक दबाना ही रहेगा, छोड़ना नहीं रहेगा। 2, 3, 4, 5 वापस से छोड़ के मैं दबा दूँगा। ये देखो अपना जो है अभी ये 15 पे आ गया है। सो ये जो इसका है ये जेन्युइन इसका मतलब कंपनी का शेड्यूल रहता है ये 1.5 लाख पे। तो अभी अपने को जो सेट करना है ना वो करना है 1 लाख पे। तो ये 1, 2, ये 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभी इसको मुझे प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो अभी मैं प्रेस करके रखा रहूँगा, ऑटोमेटिक ये जो लाइट है वो चली जाएगी। तो अपने को इग्निशन बंद कर देना पड़ेगा, ये देखो चली गई। अभी मैं कर दिया इग्निशन बंद, वापस से करता हूँ इग्निशन को ऑन, और जो अपना लाइट है वो रिसेट हो गया है। तो अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये देखो तो कुछ इस तरीके से लाइट को रिसेट करते हैं, ये एकदम इजी आसान प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। ये थी टोयोटा की इनोवा।